हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन SV ऑनलाइन क्लासेस। तो आज अपनी लेसन थर्ड क्लास सिक्स साइंस का जो थर्ड चैप्टर था उसका बचा हुआ टॉपिक करते हैं, नीटिंग। नीटिंग होता है बुनाई, ये एक विशेष तरह की बुनाई को बोला जाता है नीटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड? तो क्या आपने ध्यान से देखा है, नोटिस किया है कि जो स्वेटर्स हैं वो किस तरह से उनकी बुनाई की जाती है? इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। तो जो नीटिंग है बुनाई में क्या कहते हैं, एक सिंगल यानी एक धागा है उसका यूज किया जाता है मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़े के एक टुकड़े को बनाने में। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? क्या आपने टॉर्न मतलब फटे हुए, तो क्या आपने फटे हुए मोजे हैं उनके किसी में से क्या एक धागा आपने कभी पुल करके देखा है, क्या यार्न धागे को खींच के देखा है? व्हाट हैपेंस अगर खींच के देखा है तो क्या होता है? ए सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड। तो क्या होता है, जब अपने सिंगल धागे को खींचते हैं तो जो धागा है वो लगातार क्या खींचता चला जाता है, और जिससे जो अपना फैब्रिक है कपड़ा है वो भी क्या होता है उधड़ता चला जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक्स। तो जो अपने मोजे हैं और या अन्य जो पहनने की जो वस्तुएं होती हैं उनकी बुनाई क्या इस तरह से बुनाई किए गए कपड़ों से वो बनाए जाते हैं, एक विशेष तरह की बुनाई होती है उसको बोलते हैं हमने नीटिंग। तो इस तरह की बुनाई से जो बने कपड़े हैं उनसे जो सॉक्स हैं या और कुछ आइटम हैं कपड़ों की वो बनाई जाती हैं। नीटिंग इज डन बाई हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन्स। तो नीटिंग है ये हाथों से द्वारा भी जो बुनाई की जाती है या कपड़ों के द्वारा भी। आपने देखा होगा स्वेटर्स घर में, देखो इस तरह से ये अपने दिखाया गया पिक्चर में, तो बुनते हुए आपने अपनी मदर को सिस्टर को देखा होगा बुनाई करते हुए। तो एक विशेष तरह की क्या होती है बुनाई होती है नीटिंग। उसके बाद देखिए, वेविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। तो दोनों प्रकार की जो बुनाई है, नीटिंग भी बुनाई, वेविंग भी बुनाई को बोलते हैं, और नीटिंग क्या है विशेष तरह की होती है बुनाई, दोनों क्या है अलग, मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, इनसे यानी अलग अलग तरह के जो कपड़े हैं उनका निर्माण किया जाता है, बनाए जाते हैं। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। तो इन जो फैब्रिक्स हैं वस्त्रों का उपयोग अपने पहनने की जो अलग अलग तरह की जो वस्तु उनमें अपने यूज करते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। तो जो क्लॉथिंग मटेरियल है, जो कपड़ों की सामग्री है, उनका क्या इतिहास है, तो उसके बारे में अपने देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एशियंट टाइम फॉर क्लॉथ्स? तो हैव यू एवर वंडर्ड, तो क्या आपने कभी यह जानने का जो है प्रयास किया है कि वंडर यानी जानने का प्रयास किया कि जो पुराने समय में प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस तरह की जो अपने कह सकते हैं कि सामग्री का उपयोग किया करते थे, किस तरह के जो हैं कपड़े बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करते थे। इट अपीयर दैट इन दोज टाइम पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर themselves। तो पुराने समय में क्या होता था, किस तरह के कपड़े हैं पहनने के उनके लिए यूज किया जाता, कौन सी सामग्री का यूज किया जाता, तो क्या होता है कि टेपियर क्या दिखाया जाता है, दैट इन दोज टाइम, तो उस समय क्या होता था, पीपल यूज्ड द बार्क, क्या करते थे पीपल लोग, क्या करते बार्क होती छाल या बिग लीव्स बड़ी बड़ी जो पत्तियां उनको, या एनिमल स्किन जो जंतुओं की स्किन है, एनिमल्स की स्किन उसका, या फर जो समूर जिसको बोल देते हैं, तो इनसे अपने शरीर को ढकने के लिए ये यूज करते थे, इनसे अपने जो है शरीर को ढकते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो कृषि जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी से जो कृषि समुदाय में उन्होंने क्या धीरे धीरे उसमें बसने आरंभ करने के बाद क्या है लोगों ने क्या पतली पतली जो टहनियाँ हैं उनसे और घास को बुन करके चटाइयाँ और अपने बोल सकते हैं कि
मेट्सों की चटाइयाँ हैं, बास्केटों की टोकरियाँ, ये उन्होंने बनाना शुरू किया कि टहनियों, पतली पतली टहनियों से और घास से इनको बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद वेंस एनिमल फ्लेसेस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जो वेंस होते हैं लताएं, जो बेलें होती हैं उनको बोल देते हैं, और एनिमल फ्लिस यानी कि जंतुओं की जो ऊन है और हेयर बाल हैं वह ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड। तो उनको आपस में क्या ट्विस्ट यानी इंठन होते हैं मरोड़ी देके उनसे लंबी लंबी जो हैं स्ट्रैंड्स लड़ियां वो बनाई जाने लगी। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। तो इनको फिर बुन के क्या कपड़े तैयार किए जाने लगे। द अर्ली इंडियन वर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन डैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। तो जो पूर्व में जो लोग थे, भारतवासी थे, जो वो क्या करते थे, रुई से बने कपड़े पहनते थे, कॉटन से बने हुए कपड़े पहनते थे। दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, जो गंगा नदी के नज़दीक के क्षेत्रों में उगाई जाती थी कॉटन। उसके बाद देखिए फ्लैक्स इज आल्सो ए प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर। तो फ्लैक्स इसी तरह का एक पौधा है जिससे अपने को प्राकृतिक जो नेचुरल फाइबर है, तंतु हैं, वो मिलते हैं। इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज टू मेकिंग फैब्रिक। तो इजिप्ट यानी मिश्र में जो वस्त्रों को बनाने के लिए कॉटन और क्या जो फ्लैक्स है इसकी खेती नील नदी के जो किनारे पे उस पे वो किया करते थे। इन दोज डेज, तो उन दिनों क्या होता था, स्टिचिंग वाज नॉट नाउन। तो स्टिचिंग यानी जो सिलाई है वो करना लोगों को नहीं आता था। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो धीरे धीरे क्या, पहले कपड़ा सीधे पत्तों वगैरह से, मांस जो खाल से या उनसे छाल से जो अपने क्या बदन को ढकते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पहले क्या किया, पतली पतली टहनियों और घास से उनको बुनना शुरू किया, चटाइयाँ टोकरियाँ बनानी शुरू की। फिर धीरे धीरे जो है कपड़ा बनाना शुरू हुआ। तो सिलाई तो उस टाइम में आती नहीं थी, तो क्या करते थे वो सीधा ही उनको क्या अपने अलग अलग भागों को शरीर के ढकने के लिए सीधा ही उनको क्या करते थे, उनसे ढकते थे अपने को शरीर को। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक वर यूज्ड। तो उसमें क्या अलग अलग तरीके हैं वो ढंग से यूज करते थे अपने शरीर को, बॉडी को ढकने के लिए। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ। तो फिर क्या हुआ, सिलाई की जो स्विंग बोलते हैं, सिलाई की जो नीडल है, सुई है, उसका आविष्कार होने के साथ लोगों ने क्या फिर शुरू कर दिया, सिलाई करके कपड़े पहनना शुरू कर दिया। स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। तो इस आविष्कार के बजाय तो कपड़ों के अलग अलग बहुत सी भिन्नताएँ वो भी आ गई, अलग अलग तरह के सिलने लगे। तो बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो परंतु क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जो आज साड़ियां पहनते हैं, धोतियां और लुंगी या पगड़ियां, वो क्या बिना सिले कपड़ों के उपयोग में की जाती है, उनकी सिलाई नहीं की जाती, बिना सिले वो उनका उपयोग किया जाता है। Just as there is a large variety in the food eaten all over country, a large variety exists also in fabrics and clothing item. तो जिस प्रकार से अपने क्या है पूरे जो देश में खाने के लिए अलग अलग तरह की जो अपने वैरायटी है वो देखने को मिलती है पूरे देश में, तो उस तरह से लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट, तो उसी तरह से कपड़े पहनने की जो विविधताएँ हैं वो क्या अलग अलग हैं। तो आपने देखा हर जगह का पहनावा क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर उसके बाद देखिए नीचे कुछ क्या दिए अपने
कॉटन रोल्स, जो कॉटन रोल्स होते हैं कपास के जो गोलक, उनको फिर क्या कहते हैं, गिनिंग, ओटना, ठीक है। ओटना मतलब उसमें से जो बीज या सीड्स हैं उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, इसको बोलते हैं गिनिंग। फिर क्या, उससे फाइबर तैयार होते हैं, रेशे। फिर उसको क्या कहते हैं, स्पाइनिंग, यानी उनकी कताई की जाती है, अपने चरखा काटते देखा होगा। कताई के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद यार्न उनसे धागा बनाया जाता है। धागे को फिर क्या कहते हैं, एक तो निटिंग होती है बुनाई विशेष तरह की, वो की जाती है, और वेविंग भी क्या बोलते हैं अपने बुनाई को, या बंधाई बोल सकते हैं। फिर क्या, लास्ट में जाके कपड़ा वो बन जाता है। तो क्या हुआ, पहले सबसे पहले कॉटन, कॉटन से क्या उसकी गिनिंग की गई, बीज, जो बीज है उनसे फाइबर को अलग किया गया, फाइबर मिले, फाइबर से फिर स्पाइनिंग की, कताई की, कताई से धागे बने, धागे से फिर आगे कपड़े हैं वो बुने गए। तो स्टूडेंट आज ये लेसन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको अपने करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।